हमारा इस महीने के स्टार्ट से हमारा ये डिस्कनेक्शन ड्राइव शुरू हुआ, क्योंकि ये एक तो विंटर स्पेल चल रहा है तो इसमें लोड बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया। लोग जो है वो दस्ती बॉयलर उसका यूज़ कर रहे हैं, वो हीटर का रात को इवनिंग में, जिसकी वजह से लोड शेडिंग मतलब बड़ा कट लग रही है पावर को। और लोगों का मैक्सिमम बैलेंस है यहाँ मार्केट में जो मैंने देखा है, ठीक है, जो मेन मार्केट कमर्शियल में है उसमें लोगों के 1.5 लाख 2.5 लाख 70,000 50,000 के अलग अलग जो है हमने इनकी डिस्कनेक्शन की है। और मैं ये आपके जितने भी चैनल हैं इनकी वसात से ये लोगों से अपील करता हूँ कि ये अपने जितने बकाया जल्द अज जल्द अदा करें ताकि हमें डिस्कनेक्शन ना करनी पड़े, वरना ये इसके अलावा भी हम इनका चलान कर रहे हैं। जिन लोगों ने दो दिन का टाइम मांगा है हम उनको दो दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन के बाद नहीं इनका कोर्ट में चलान किया जाएगा, ऊपर से एक्स्ट्रा जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और मोर ओवर इनको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, जितना इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली इनका जो जो अमाउंट बढ़ता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहा, लास्ट कंज्यूमर को हो रहा है। मेरी यही अपील है कि अपना एक तो ये रात को जो है आपने इलीगल लोड जो है उससे ग्रेज करें जी। लोग जो ओवरलोडिंग किस तरीके की कार्रवाई जो स्पॉट पे कोई उनको चलान या कोई? हाँ, इनको बिल में चलान कर रहे हैं हम, इनको पेनल्टी इम्पोज हो रही है, इनके जो बिल हैं उनके थ्रू हम कर रहे हैं जो इलीगल बुकिंग लगी हुई। तो ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये चलेगी 30 तक चलेगी, उसके आगे भी चलेगी, ये पूरा महीना ड्राइव चल रहा है। सर कोई मैसेज? मैसेज यही है कि लोग अपना जिसको यहाँ पे कुछ मार्केट में मैंने देखा कुछ इलीगल दुकानें चल रही थी वो हमने डिस्कनेक्ट कर दी है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप उनसे अपना जो भी है वो कनेक्शन रजिस्टर करा के उस पर जो भी आप चलाएं, और थ्रू मीटर अभी यहाँ स्मार्ट मीटर भी आने वाले हैं, फिलहाल हमें मार्च के बाद मीटर मिलने वाले हैं स्मार्ट मीटर, फिर तो ये चोरी खुद कमी हो जाएगी। अलबत् जहाँ पर हमारी केबलिंग नहीं पड़ी है इसमें ये रात को जो है 9-10 बजे के बाद ये इलीगल बुकिंग करते हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसा करने से ग्रेज करें, वो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।